हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसन्नजीत वेस्ट बंगाल से। जैसे आपको पता है, सेमी बैकलॉग में बहुत ही अच्छे से हमारा कल्चर चल रहा है। और अभी हमने रूरल जितना एरिया है वहाँ पे फीडिंग छोड़ के, मतलब जो तालाब पड़ा हुआ है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, एकदम कचरा भरा हुआ है, उसको साफ़ करके धीरे धीरे हमने 100 तालाब को सिलेक्ट किया जो एकदम रूरल एरिया है, जहाँ पे जो फार्मर है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ पे फीडिंग छोड़ के काम होगा। कैसे होगा? मतलब जो आपका नीचे कचरा भरा हुआ है उसको रीयूज़ होगा खाना में, एक कल्चर निकल जाएगा। और एक कल्चर निकलने के बाद फार्मर फीडिंग दे के भी कल्चर कर सकता है, और फीडिंग भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 50% पॉइंट पोस्टर, 25% सरसों खोली एंड 25% कूड़ा यूज़ होगा। और देखिए, अपने सामने जो तालाब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहला आपका यूज़ हुआ था बायोक्लीन, क्योंकि ये पूरा तालाब कचरा भरा हुआ था, उसको साफ़ किया, देन उसमें नेटिंग किया हुआ है, ठीक है। और फार्मा का पास पैसा बहुत कम है, इसलिए हमने पहले इसमें स्पॉन छोड़ूंगा। स्पॉन छोड़ने के बाद ये 10 दिन में 10,000 लाइन बन जाएगा, फिर उसको सेल कर देना है, फिर जो मछली रहेगा उसको हम 300 लाइन तक बनाएंगा एक महीना में, उसको सेल करना है, देन उसका बाद जो मछली रहेगा वो 100 लाइन बनेगा, तो उसका बाद वो 100 लाइन फीस भी सेल कर देना है। ऐसे ऐसे हमने ट्राई कर रहा हूँ, जितना पॉइंट पड़ा हुआ था जो यूज़ में नहीं लगता था वो हमने रीयूज़ करे। तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका पॉइंट एक्वालाइम दे रहा है। आपको ऑल टाइम प्रोडक्ट ऐसे देना है। जो पुराना तालाब होता है, मतलब जहाँ पे 10 साल कल्चर नहीं हुआ, जो नीचे का जो मिट्टी होता है बहुत होता है, इसमें बायोक्लीन का डोज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत वायरस टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, बैक्टीरिया का प्रॉब्लम्स होता है, जिसका वजह से मासली ग्रोथ नहीं होता है। नॉर्मल तालाब में एक साल आपको टाइम क्यों लगता है? देखिए, पहला बात है जो नीचे आपका कचरा टाइप का रहता है जिससे गैस बनता है, और कभी भी आपका जो वेदर ख़राब होता है, बारिश का मौसम होता है, तो वो पूरा गैस ऊपर आ जाता है और मछली पूरा मरना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसका तालाब में आपका इस टाइप का मछली एकदम साइड में आ गया, मछली मर रहा है, आपने आपका जो एस्टीमेट, मतलब आपका तालाब का साइज हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसमें बताइए, तो आपको डोज बता देगा। तो उसका और गैसोक्लीन ये दोनों मिला के आप डाल दीजिए, विद इन 30 मिनट्स आपका मछली ठीक हो जाएगा। देखिए, सेमी बैफलॉग में फ़ायदा क्या है? पहला बात है तो जो आपका पानी आपको एक्सचेंज कभी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा बात है, यहाँ पे जितना आपका गंदगी रहेगा वो आपको फीड में बदल जाएगा। तीसरा बात है, आपका फीडिंग कॉस्ट बहुत कम है। और नंबर 4, मछली का रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब 500 ग्राम का मछली जब नेट में आएगा आपको लगेगा 1 किलो का मछली आया। और उसका बाद आपका मछली का टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, इसका साथ साथ मछली का साइनिंग भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 20 साल पहले जो मछली का टेस्ट था वो टेस्ट हमको फिर से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आप सेम वेफला करना चाहते हो तो हमारा हेल्पलाइन टीम से आप संपर्क करें, और जिस एरिया में आपका 10 साल 15 साल तालाब पड़ा हुआ है उसको भी इसका अंदर लेके आइए। जिसका पास ज़मीन है वो भी तालाब खोद के आप सेमी बायफ्लॉग कर सकते हो, और जहाँ पे पानी नहीं रुकता है वहाँ पे लाइनर लगा के उसके बाद 6 इंच मिट्टी डाल के आप कर सकते हो। आपका जो भी प्रॉब्लम है फिश रिलेटेड, जैसे आपका बायफ्लॉग हो गया, सेमी बायफ्लॉग हो गया, ऑर्नामेंटल हो गया, केज कल्चर हो गया, आपका RS हो गया, आपका प्रॉब्लम हमारे पास भेजिए, आपका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करूँगा। थैंक यू।